हाल में कार्रवाई लगा लेता है वैसे वो क्या नाम है

अः uh, मैम जो जी रिकवेटम होता है उसमें नीज जौन, नी ज्वाइंट जो होता है वो बैकवर्ड बेंड कर जाता है और इसको बैक नी और नी हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं और इसकी थ्री टाइप्स होती है एक्सटर्नल रोटी डिफॉर्मिटी mm -hmm. इंटरनल रोटी डिफॉर्मिटी और नॉन रोटी डिफॉर्मिटी जो एक्सटर्नल रोटी रोटी डिफॉर्मिटी होती है उसमें mm -hmm. हील्स जो होती है वो एलिवेटेड होती है और फोर फुट इनवर्ड मूव किया होता है फुट क्लब फुट की मतलब पोजिशन में होता है

मेम इसके कॉजेज हो सकती हैं एडियोपैथिक प्रोपोस्ट्रोमेटिक पोस्ट इन्फ्लेमेटरी न्यो बोन सॉफ्टनिंग और कार्टिलेज थिनिंग पोस्ट पोस्टरटिक में आ, लेटरल या फिर टिबिल जो कोंडाइल्स होती हैं उसका फ्रैक्चर हो जाता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी में जो लेटरल एपीफिजिज होती हैं उसका डैमेज हो जाता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से न्योप्लास्टिक में कोई भी ट्यूमर हो सकते हैं और बोन सॉफ्टनिंग में रिक्ड्स या ओस्टियो और कार्टिलेज थिकनिंग में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है नी so, के लेटरल कंपार्टमेंट का ठीक है ठीक है बेटा वेरी गुड सो ऑलमोस्ट वन एंड द सेम कॉजेज हैं बस छोटे छोटे कॉजेज के फर्क आप याद कर लेना लेकिन वन एंड द सेम ऑलमोस्ट मेजर जो हेडिंग्स इंक्लूड करते हो आप इन नॉकनीज और इन जीनो वैरम और इन यू कैन से कॉक्सावेरा तो उसके अंदर सिमिलर हेडिंग्स की अगर आपको ईजी हो तो उसके लिए आप हेडिंग्स की सिमिलैरिटी को कम से कम याद रखो लाइक न्यूप्लास्टिक कॉजेस ट्रॉमेटिक कॉजेस इडियोपैथिक कॉजेस कंजेंटल कॉजेस में तो इस तरह याद करना आसान रहेगा फिर जो मेन्यूट डिटेल्स है उसको बेहतर आप थोड़ा और रिवाइज करके ट्यून आउट कर लो अपनी मेमोरी को आज हम डिफॉर्मिटीज ऑफ लोअर लिंब को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हमने जो पढ़ना है वो हेलक्स रिजिडस हेलक्स लफ्ज है वो बिग टो के लिए यूज किया जा रहा है उसके कहा जाता है बिग टो उसकी जो एबनॉर्मेलिटी है बिग टो की उसकी रिजिडिटी उसकी वेल्गस एंड वेरस डिफॉर्मिटी वो हमने आज पढ़नी है सो वट इज हेलक्स रेजिडस एज द नेम एम्प्लाइज रिजिडिटी ऑफ द बिग टो का एलिमेंट चल रहा होता है बिग टू के अंदर और वो कौन से जॉइंट को इफेक्ट करता है आपको पता जैसे आपके हाथ में कार्पल बोन्स होती है वैसे आपके पाव में

मेटाटार्सल बोन्स पड़ी होती हैं ये जो जॉइंट बन रहा है ये वाला फर्स्ट मेटाटार्सो जॉइंट ये मेटाटार्सल है और ये फिलेंजियल जॉइंट इसका इशू होता है हेलेक्सिडस में तो समझ आ गई कि किस जॉइंट का इशू आ रहा है ठीक है सो इट इज ठीक हो गया तो तो so, सबसे ज़्यादा जो big toe में डिफॉर्मिटी देखी जाती है वो valgus की deformity देखी जाती है और ये वाली सेकेंड नंबर पे है मोस्ट कॉमन अर्थरेटिक कंडीशन ऑफ द फुट है जो जॉइंट इस जॉइंट पे जो चेंजेस आते हैं वो अर्थराइटस चेंजेस आते हैं जॉइंट स्पेस की नैरोइंग होती है ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं और सिक्लरोसिस हुआ होता है कार्टिलेज का

दो मल्टीपल गए हैं जिसके अंदर अक्यूट ट्रामा हो बिगटॉपे या रेपिटेटिव माइक्रोट्रामा हो फॉर एग्जाम्पल ऐसी पैर बार -बार -बार मारना या ऐसे पहनना जिसकी वजह से माइक्रोट्रामा हो जिसकी वजह से जो ये कंडीशन है इसके अंदर एथिटिक चेंजेस प्री डिस्पोज होना शुरू हो जाते हैं Anatomic variations of the first metatarsal bone

ऑस्टियम मतलब बोन कॉन्ड्राइटस कॉन्ड्रो मतलब ये कार्टलेज और इन्फ्लेमेशन सो यूजली जब ये कंडीशन स्टार्ट होती है हेलेक्स की तो क्या होता है इनिशियली बोन की और कार्टलेज की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है जिसकी वजह से फिर जॉइंट की इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है और वो हेलेक्स रिजिडस की कंडीशन की तरफ जो जॉइंट है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है

इनिशियली फर्स्ट जो आपकी रे होती है रे से मुराद क्या होता है कि जब फुट में जब हम रेज की बात करते हैं जैसे सूरज की शुआएं हैं आपको पता है ऐसे रेज निकल रही होती है। इसी हैं इसी तरह जो फुट में जो रेज होती है उनमें ये रे होती है कि फर्स्ट उनमेंटार्सल जो बोन उस उसपे ऊपर प्रोक्सिमल फेलिंगस और डिस्टल फेलेंगे ये फर्स्ट रे है सेकेंड रे होगी सेकेंड मेटाटार्सल उसकी अपनी फेलिंग्स प्रोक्सिमल और उसकी अपनी डिस्टल फेलिंग्स तो जो फर्स्ट रे से मुराद दी है कि दो फर्स्ट रे में जो फर्स्ट मेटा टार्सल बोन और उसकी अपनी प्रोक्सिमल और डिस्टल फेलेंजेस और द फर्स्ट मेटा टार्सल जो आपकी जॉइंट uh, होती, होती है वहां पे पेन होती है द मेन थिंग इज पेन और उसके साथ साथ स्वेलिंग विच वर्सन विद पुश ऑफ और डोर्सी फ्लेक्शन ठीक है ऑफ द ग्रेटो शू इरिटेशन तो इनिशियली जो सिम्टम्स आपको नजर आते हैं हेलिक्स है में वो पेन और स्वेलिंग के नजर आते हैं और उसके अलावा पेन होती है किस चीज के साथ द फोर्स डोरसी फ्लेक्शन ऑफ द बिग टो डोरसी फ्लेक्शन का मतलब पता ना बेटा है, जैसे मैं लेटरल साइड से अगर आपके थम को ये बिग टो को बनाऊं तो ऊपर की तरफ उठाना डोरसी फ्लेक्शन है और नीचे की तरफ उठाना की, करना क्या है प्लांटर फ्लेक्शन तो डोरसी फ्लेक्शन में हेलक्स रिजिडस में पेन होती है तो जो अंगूठा है उसको ऊपर नहीं उठाया जाता हेलक्स रिजिडस के पेशेंट को

सर्कुलर मोशंस में घुमाते हो और इसमें आप चेक करते हो कि क्या इन सर्कुलर मोशंस में घुमाने से थंब ये सॉरी थंब कह रही हूँ जो बिग टो है उसके अंदर दर्द तो नहीं होती है तो ये ग्राइंड टेस्ट आप इसको कहते हैं जैसे ग्राइंडिंग मशीन में मशीन घूमती है ना उसी तरह आप जो थंब होता है सॉरी जो बिग टो होता है उसको आप मूव करवाते हो इन सर्कुलर मोशंस जस्ट लाइक दिस उसने बिग टो को अपने हाथ में पकड़े एक साइड से उसने फुट को स्टेबलाइज करवाया और फिर मूवमेंट करवा के आप इसके ऊपर चेक करते हो पेन तो नहीं हो रही प्रेजेंटेशन और रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स पे आपको क्या मिलती है ऑस्टियोफाइट्स मिलते हैं स्पेशली ऑन द डोर्सल साइड बोनी आपको आउटग्रोथ मिलती है ऑन द जॉइंट और डोर्सल साइड पे आपको नजर आती है जस्ट लाइक दिस और जॉइंट स्पेस की होती है यू ऑल नो कि फॉर एग्जांपल एक बोन में यहाँ बना दू एक बोन में यहाँ बना दू इनकेगा है, है इन yes, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं होते हैं ठीक है थीके? तो जब इनमें स्पेस जिसे कहते नहीं होती जब इनमें स्पेस जिसे कहते खत्म हो जाती है तो ये लीड कर देता है तो टूअर्ड्स अ

सब सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस एंड सिस्ट डेवलप हो रही होती हैं जो जॉइंट कार्टिलेज जो जॉइंट को लाइन कर रहा होता है उसके अंदर सिक्लेरोसिस और सिट्स बनने शुरू हो जाते हैं जॉइंट कैविटी के अंदर ठीक so, है सो थ्री रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स आपको नजर आती हैं ऑस्टियोफाइट्स बोनी स्पर्स जिनको कहा जाता है जॉइंट का जो स्पेस है उसकी नैरोइंग हो जाती है और सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस स्टार्ट हो जाता है

वरना नहीं होगी उसके अलावा रेडियोग्राफिक में माइल्ड ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन होती है लेकिन जॉइंट स्पेस नॉर्मल होगी ग्रेड टू में क्या होता है मॉडरेट पेन होती है विद रेंज ऑफ मोशन इंक्रीजिंगली मोर कॉन्स्टेंट तो बिसे ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो पेन होती है वो तब होती है जब आप उसको मोशन देना शुरू करते हो डोरसी फ्लेक्स करते हो प्लांटर फ्लेक्स करते हो सर्कुलर मोशन देना शुरू करते तो हो तो इनिशियली दर्द नहीं होगी लेकिन जब आप रेंज ऑफ मोशन करते रहोगे करते रहोगे तो पेन वक़्त के साथ साथ बढ़ेगी तो कॉन्स्टेंट हो जाएगी विद इंक्रीजिंग रेंज ऑफ मोशन उसके अलावा रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स पे आपको मॉडरेट ऑस्टिफाइड फॉर्मेशन और इसके अंदर फिर जॉइंट स्पेस नैरिंग शुरू होगी लेस देन 50 परसेंट ऑफ द ज्वाइंट स्पेस नैरोइंग मतलब 50 फीसद से कम कम 10 20 30 से 40 फीसद तक ज्वाइंट स्पेस कम हो जाएगा लेकिन 50 से कम कम ही रहेगा ग्रेड थ्री में क्या होगा ग्रेड थ्री में एग्जाम फाइंडिंग्स पे आपको सिग्निफिकेंट स्टिफनेस नजर आएगी पेन एक्सट्रीम मोशन के ऊपर एग्जैक्टली exactly यही वाला लेकिन मिड रेंज पे कोई पेन नहीं नजर आएगी मतलब कि आपने अगर हल्का सा भी उठाया तो पेन नहीं होगी तो ऑलमोस्ट ग्रेड टू और ग्रेड जो थ्री है वो ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं सिमिलर है कि दोनों में ही रेंज ऑफ जो मोशन है मिड रेंज पे या रेंज ऑफ मोशन पे दर्द नहीं है और एक्सट्रीम मोशन के ऊपर ग्रेड वन की तरह ग्रेड थ्री में दर्द है इसके अलावा रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स में जो चीज़ ऐड हो रही है वो ये हो रहा है कि मोर देन फिफ्टी परसेंट जॉइंट स्पेस न मतलब कि जॉइंट जो स्पेस है वो सिर्फ अब बीस तीस फीसद रह गई है पचास फीसद से ज्यादा ज्यादा ज्वाइंट स्पेस कम हो चुकी है ठीक है और ग्रेड ये आपको बता दी रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स और ग्रेड फोर में क्या होगा ग्रेड फोर में सिग्निफिकेंट स्टिफनेस है जस्ट लाइक दिस एक्सट्रीम्स पे भी पेन है और मेन चीज है कि माइल्ड या मिड रेंज पे भी पेन या हल्का सा भी आपने ऊपर उठाया ना पेशेंट को कहेगी पेशेंट कहेगा कि यार मत करो बहुत दर्द हो रही है तो एग्जैक्टली exactly यही होगा इसके अंदर और जो रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स है वो ग्रेड थ्री की तरह ही है तो ये याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है स्टिफ एक्सट्रीम पे पेन रेंज पे पेन है लेकिन वो रेंज के साथ साथ बढ़ रही है इसमें मिड रेंज पे पेन नहीं है लेकिन एक्सट्रीम पे पेन है और इसमें मिड रेंज पे भी पेन आ गई है और रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स भी इजी है याद करना ग्रेड जीरो पे नॉर्मल ग्रेड वन पे सिर्फ ऑस्टियोफाइट बने हैं ग्रेड टू पे लेस देन फिफ्टी परसेंट जॉइंट स्पेस नैरोइंग है इसमें मोर देन फिफ्टी होगी और इसमें एग्जैक्टली ग्रेड फी की तरह तो ये मुश्किल तो नहीं होगा आप लोगों के लिए याद करना याद exam... हो ये। yeah, बताएं। याद हो थोड़ा सा जी बेटा एग्जाम जैसे क्लिनिकल एग्जाम नहीं आप करते हो जिसके अंदर आप इंस्पेक्शन क्वेश्चन वगैरह करते हो इसी तरह आप लोअर लिम की इंस्पेक्शन करते हो तो उसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो कि आप पेशेंट की पैसिव मूवमेंट करवा के देख रहे होते हो कि उसको दर्द तो नहीं हो रही है एग्जाम एग्जाम करवाते हो पेशेंट का है वो है और वो सिर्फ हार्ट्रप और जॉनसन ने रेडियोग्राफिक पे की है कफलिंग और शुमास ने एग्जाम फाइंडिंग्स जो क्लिनिकल एग्जाम फाइंडिंग्स के साथ साथ रेडियोग्राफी फाइंडिंग्स को ग्रेड किया है जबकि हार्ट्रप और जॉनसन ने रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स पे किए जिसमें ग्रेड वन टू और थ्री में उन्होंने ग्रेड वन में उसने सिर्फ ये कहा है कि माइल्ड टू मॉडरेट ऑस्टिफाइड फॉर्मेशन है जबकि जॉइंट स्पेस की प्रेजर्वेशन और जॉइंट स्पेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा ग्रेड टू में क्या होता है कि मॉडरेट ऑस्टिफाइड फॉर्मेशन के साथ साथ नैरोइंग स्टार्ट हो गई है ज्वाइंट स्पेस की विथ सब कॉन्ड्रोसिकोसिस और ग्रेड थ्री में कम्प्लीट लॉस हो गया ज्वाइंट स्पेस का सो so, ये इंतहा इजी था याद करना कम्पेयर टू द प्रीवियस वन इसमें इसमें स्टार्ट हुई और इसमें कम्प्लीटली लॉस हो गया है ट्रीटमेंट नॉन ऑपरेटिव में आप मेडिकेशन यूज कर सकते हो नॉन एंटी एजेंट्स एक्टिविटी मॉडिफिकेशन एंड ऑर्थोटिक्स से मुराद क्या है जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था ऐसे आप यूज करते हो इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी वजह से फंक्शन नॉर्मल हो सके जॉइंट का

इसके अलावा स्टिफ सोल शू अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊँल बियॉन्ड द फर्स्ट मेटर जॉइंट एक्सटेंडिंग टू द टिप ऑफ दिन दिस रिजिड एक्सटेंशन कैन एक्ट टू लिमिट एनी रिमेनिंग फर्स्ट मेटर जॉइंट मोशन तो पूरी कहानी ये कही है उसने कि इस पूरी कहानी में ये उसने बात एक्सप्लेन किया है कि आपने रिजिड सोल लेनी है जिसकी जो एक्सटेंशन है वो फर्स्ट मेटर इनमें नहीं होगी सिर्फ इस तक जाएगी और ये इंतहा रिजिड होगा ये जो पैसिव मूवमेंट है प्लांटर फ्लेक्शन की वो बिल्कुल भी नहीं करवाने रहेगा बिग टो की ताकि पेन ना हो पेशेंट का तो समझ आएगी मोर्टन एक्सटेंशन कैसा होता है देखने में इस तरह का होता है Yes, और जो no. ये मूवमेंट मुव, जो है ना बिकॉज अगर ऊपर से आप जूता पहन लोगे तो फ्लेक्शन तो होगी नहीं और प्लांटर फ्लेक्शन को कम करने के लिए क्या होगा आप एक्सटेंशन करवाओ क्योंकि पैसिव मूवमेंट पे भी पे पेशेंट को एक्सट्रीम केसेस में पेन स्टार्ट हो जाती है एंड लास्टली इंटरमीडियंट अटैक्स को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे इंट्राटिकुलर इंजेक्शन लगवाओगे कॉर्टिकोस्टीरोड्स का और लोकल अनस्थेटिक का लोकल अनस्थेटिक टू रिलीव द पेन कॉर्टिकोस्टीरोड्स टू रिलीव इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट सर्जिकल जो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हो जॉइंट डिब्राइम एंड सैनोवेक्टमी कर सकते हो डोर्सल चिलेक्टमी एक ऐसी कंडीशन होती है एक ऐसा ऑपरेटिव मेथड होता है जिसमें आप बोनी स्पर्स या जो ऑस्ट्रियोफाइट है उनको रिमूव करते हो बिकॉज ये जो बोनी स्पर्स होती है ये पेन और स्टिफनेस करवा रही होती है बिगटो की

वो बोन रिमूव पीस रिमूव करने से ही जो बोन होगी जिसपे स्पर्स बने हुए तो आप को रिमूव करने के लिए बेसिकली हमारा हमारा मेटाटार्इट है इस ज्वाइंट को कम्प्लीटली रिमूव करके उसकी आर्थ्रोप्लास्टी कर दोगे इम लगा दोगे जैसे आपको याद होगा हमने टोटल हिप रिप्लेसमेंट में कम्प्लीटली न्यू हमने हेड ऑफ द फीमर और टोटल में आप एसिटेबलम भी बिल्कुल नहीं लगा देते हो याद था आपको इसी तरह रिस, रिसेक्शन आर्थ्रोप्लास्टी में भी आप यही करोगे नेक्स्ट कम तो हेलस मैम ऑस्टियोटॉमी में तो हम वैसे ही रिमूव कर देते हैं तो हम इसे वेज क्यों कह रहे हैं? बेटा वेज से मुराद होता है एक पीस रिमूव करना लाइक अ वेज। ओके। ऑस्टियोटॉमी से मुराद है बोन का पीस रिमूव करना ठीक है? ओके। जहां पर बना होगा ना उस वाले बोन के पीस को आप ऐसे करके रिमूव कर देते हो लाइक अ वेज ठीक है मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी इनकाउंटर डिफॉर्मिटी फोर फुट करेक्टराइज बाय इस लाइन को गौर से देखो और फिर मैं आपको ये डायग्राम में, में दिखाती हूँ ऑफ द ग्रेट टो एंड मीडियल डेविएशन ऑफ द

अब आप ये जेन में रखें कि इन, अगर मैं थम यहाँ पे बनाऊं तो हमारे हाथ का नेट में पोजीशन बेटा डिफरेंट होता है हमारे का डिफरेंट होते है. हमारे पाओं में जो बिग टो होता है वो मीडियल साइड पे होता है हमारे हाथ में थम लैटर साइड पे होता है ठीक है तो क्या हो रहा है कि जो बिग टो है वो लेटरली डेविएट कर रहा है और जो मेटर टार्सल बोन जो यहाँ पड़ी हुई थी वो क्या कर रही है वो मीडियली डेविएट कर रही है हाँ समझ आ गई इस चीज की फिर अब आपको कि उस लाइन में उसने क्या बात लिखी हुई थी यस मैम मीडियल डेविएशन ऑफ द बोन एंड डेविएशन ऑफ द बिग टो इसके अलावा जो ये मीडियल साइड पर प्रोमिनेंस बनती है उसको बनियन डिफॉर्मिटी कहा जाता है और जो मीडियल प्रोमिनेंस को बनियो कहा जाता है जिसको टर्निप जो एक वेजिटेबल है उसकी तरह उसको दे दिया गया है शाबियत दे दी गई है तो ये जो मीडियल प्रोमिनेंस आपको नजर आ रही है ना इसको क्या कहते हैं बनियन यक सर आपने बूढ़ों में भी देखी होगी अपने ग्रैंडफादर्स या ग्रैंडमदर्स के कभी पाओ देखना उसमें ही बना होता है yes, इंटायर जो स्पेक्ट्रम आपको हेलस वेलगस का नजर आता है तो उसमें क्या नजर आता है वायरस या फिर मीडियल डिफॉर्मिटी ऑफ द फर्स्ट मेटर टार्सल बोन वेलगस या लैटरल डिफॉर्मिटी ऑफ द ग्रेटो बनियन फॉर्मेशन आथराइटस मेटर जॉइंट का रेल्जिया. का मतलब क्या होता हैल्जिया मतलब है? exactly. ज्वाइंट की पेन आर्थराइटस ज्वाइंट की इनफ्लेमेशन

शूज है shoes, improper shoes तो उसमें हाई मतलब कि ऐसे पहनना जिसके आपके हो और occupational factors की वजह से आपकी ऑक्यूपेशन ऐसी है जिसकी वजह से आपके जो फुटवेयर आपको ऐसा पहनना पड़ रहा है या फिर आपको ऐसे स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व हो जैसे बैले डांसर्स होते हैं तो आपने देखे उनके कितने शूज बहुत ज्यादा वो होते हैं एक तो पतले भी होते हैं और बहुत टाइट भी होते हैं तो उसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर्स में हेरिडिट्री हो होता है पेस प्लेनस की वजह से भी हो सकता है क्या होता है पेस प्लेनस फ्लैट फुट होता है फ्लैट फुट फिट फ्लैट फुट को बेटा पेस प्लेनस कहते हैं जिसकी वजह से हेलस वेलगस डिफॉर्मिटी होती है बिकॉज़ पेस प्लेनस में इंस्टेबिलिटी हुई होती है जॉइंट्स की हाइपर मोबिलिटी ऑफ द मेटाटारसो क्यूनिफॉर्म जॉइंट जैसे कि मेटाटारसल बोन आगे फिंगर्स से लगी होती है तो

प्रोनेशन ऑफ द हाइंड फुट की वजह से भी हो सकता है प्रोनेशन रेफर्स टू द प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल बोन इन रिलेशन टू द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन जबकि फर्स्ट मेटाटार्सल बोन है उसकी हो जाए प्लांटर फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन तो उसकी प्लानर फ्लैक्शन और इंटरनल रोटेशन की वजह से क्या होता है वो मीडियली डाइवेट कर जाती है और हेलस वेलगस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं एक्लीस टेंडन के कॉन्ट्रेक्चर की वजह से आपको पता है कि आपका पैर इस तरह बना हुआ है यहाँ पे आपका क्लीस टेंडन है इसके कॉन्ट्रेक्चर की वजह से क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपका पाँव होता है वो ज्यादा प्लांटर फ्लेक्स कर जाता है और इसके प्लांटर फ्लेक्शन की वजह से मेटर टार्सल बोन्स भी प्लांटर फ्लेक्स करती हैं और हेल्लस वेलगस डिफॉर्मिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज ज्वाइंट स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं रह पाती इसके अलावा मेटा प्राइमस वेरस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मेटा प्राइमस वेरस इज अ फुट डिफॉर्मिटी फर्स्ट मेटाटार्सलोन टू द प्रोजिमल फेलिंग एंड एंगल्ड अवेयर फ्रॉम द सेकंडार्सलोन सादी जुबान में उसने ये बात बताई कि जो पहली वाली मेटाटार्सल बोन होती है ना वो सेकेंड वाली रिलेशन उससे पीछे हुई हो होती है मतलब मीडिल

फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ दिस डिस्कम्फर्ट एंड वेलग्रेस डिफॉर्मिटी होती है देखने में टेंडर होता है हाथ लगाने में दर्द होती है और एस्थेटिक और कॉस्मेटिक कंसर्न्स भी होते हैं कि देखने में भी पाओ अजीब या बुरा लगता है लो कुछ लोगों को डायग्नोसिस में हिस्ट्री आप लोगे पेशेंट से फिजिकल एग्जाम देख करोगे इंस्पेक्शन पे आप देखोगे कि आपको बनियन डिफॉर्मिटी बनियन प्रोमिनेंस नजर आएगी और जो फुट जो बिग टो है वो लेटली डेविएट हो गई रेडियोलॉजिकल असेसमेंट करोगे रेडियोलॉजिकल असेसमेंट में कुछ चीजें हैं कुछ एंगल्स जो आप चेक करते हो जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि कितनी सिवेरिटी है की तो ये इंतहाई इजी चीज है इसको देख के आपने परेशान नहीं होना मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी एक एंगल होता है जिसको कहा जाता है आई एम ए एंगल टार्सल एंगल वो निकालते कैसे हैं वो मैं दिखाती हूं आपको तो आप क्या करते हो एक आप लॉन्गिट्यूडनल एंगल खींचते हो फ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, ये आपको बेटा नजर आ रही है बोन्स। मेटाटार्सल बोन ऑल क्लियर टू एवरीबडी पहला पहला लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस आप खींचोगे इस जो बोन है इसके बीच से ठीक है दूसरा एंगल खींचोगे इस बोन के बीच से मेटाटार्सल अब इनके दरम्यान में जो एंगल होगा वो बेटा वो इंटर मेटाटार्सल एंगल है और वो नाइन डिग्री या उससे लेस होता है और अगर ये बढ़ जाए तो इसका मतलब है हेलस वेल्गस डिफॉर्मिटी शुरू हो गई है देखो आई एम एंगल नॉर्मली एट टू नाइन डिग्री है और जब ये बढ़ जाता है मतलब कि ये पीछे पीछे ये वाली बोन मीडिली डेविएट करना शुरू हो गई ना याद है हमने भी क्या पढ़ा है हेलस में मेटाटार्सल बोन क्या होती है मीडियल डेविएट होती है और जो जो टो तो वाला पोर्शन है वो डेविएट है ऐसा ही पड़ा ना तो जब ये इधर को डेविएट करेगा तो क्या होगा एंगल बढ़ेगा सो इंटर बढ़ता है in case of ये नॉर्मल उन्होंने बता दी इतनी डिग्री, दूसरा एंगल होता है एच वी एंगल हेलस वेलगस एंगल ये हम किस तरह निकालते हैं हम जो मेटाटार्सल बोन्स पड़ी हैं इनमें से सिमिलरली ये वाली लाइन खींचेंगे बेसिकली इस बोन से इस बोन की

लैटरली डेविएट और ये एंगल क्या करेगा ये एंगल बढ़ेगा इसलिए इसको हेलस वेलगस एंगल कहा जाता है समझ लग गई एचवी एंगल की यस मैम मैम कम्स द डीएमएए एंगल ये हल्का सा टेक्निकल था ये मेरे पिछले सेक्शन के स्टूडेंट्स को बड़ा मुश्किल लगा था तो उसके बाद मैंने एक सर्च करके कैसी स्लाइड निकाली है जो आप लोगों के लिए मैंने ऐड की है ऑब्वियसली उन लोगों को भी मैं यही सेंड करूंगी उनको भी समझ आ जाएगा जब वो रिवाइज करेंगे सो so, एक चीज होती है डी एम ए एंगल नॉर्मली टेन डिग्री की होती है अब ये डी एम ए एंगल क्या होता है इसका नाम होता है डिस्टल मेटाटार्सल आर्टिकुलर एंगल करते हो क्या आप इसके अंदर इसके अंदर आप ये करते हो कि आप एंग, किस तरह एंगल खींचते हो कि आप एंगल खींचते हो पहले वाला जो एक्सेस है वो ये वाला फर्स्ट मेटरटार्सल बोन का यहाँ से खींचते हो ठीक हो गया और उसके बाद दूसरा आपने कहां पे खींचना होता है जो आर्टिकुलर जो फेसेट होता है ना जो ये फेसेट जो के जॉइंट बना रहा है वहां से आप दूसरा खींचते हो ठीक है ओके ये जो एंगल बनता है ना बेटा ये वाला इसको डिस्टल मेटाटार्सल आर्टिकुलर एंगल कहते हैं द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस दिस वन ना बन, उसका एंगल इनके दरमियान के एंगल समझ आ गई इसकी बेटा की नहीं yes, yes, तो इसको कहते एंगल. इसका इशू क्यों होता है एल्गस वेलगस में क्योंकि जब आपका ये वाली चीज इधर को डेविएट करना शुरू होगी तो क्या होगा की जब ये इधर को डेविएट करेगी आर्टिकुलर फेसेट तो रहना इधर ही है ठीक है उसने तो इसके साथ ही जॉइंट बनाना है ना ऊपर वाली चीज के साथ तो जैसे जैसे ये चीज इधर को होगी आर्टिकुलर फेस या जो आर्टिकुलर हेड है इस वाले बोन का जो मेटर बोन का ये जो हेड है वो वहीं पे ही रहेगा ये चीज इधर को डेविएट जो उसका शेफ्ट है वो इधर को डेविएट होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो क्या होगा ये जो चीज है ये बढ़ेगी ये एंगल बढ़ेगा आप समझ आ गई डीएमएम एंगल क्या था yes,

तो ये देखो ये एंगल ड्रॉ किया और जो ये हेड है ना आर्टिकुलर सरफेस उसका ये ड्रॉ किया ये जो एंगल बन रहा है, दिस्टेल दिस्टेल आर्टिकुल है। रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात। अब यही सोचो कि ये जो एलॉन्गिट्यूडल एक्सेस है वो ज्यादा इधर को चला जाए तो देख रहे लो बढ़ गया उसका एंगल जितना मीडियली डेविएट करेगा उतना ये बढ़ेगा क्योंकि आर्टिकुलर जो सरफेस है उसने तो

तो वो क्या होता है वो लेस देन फिफ्टीन डिग्री होता है जो हमने यहाँ पे देखा अभी ठीक है दिस वन ये तो ये नॉर्मली फिफ्टीन या लेस देन होता है तो नॉर्मल लेस देन है माइल्ड जो डिफॉर्मिटी है उसके अंदर लेस देन ट्वेंटी है मॉडरेट में ट्वेंटी टू फोर्टी तक हो जाता है देख रहे हो ये और ये वाली चीज समझ आ गई तो ये बढ़ेगी विथ सिवेरिटी एंगल ट्वेंटी टू फोर्टी और ये फोर्टी डिग्री से भी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फोर्टी डिग्री हो जाएगा ये इसके अलावा इंटर मेटर टार्सल एंगल जो कि दो सेपरेट मेटा टारसल के दरम्यान बन रहा था ये चीज़ अब पूरी की पूरी मूव करेगी तो इनका भी एंगल बढ़ेगा तो ये भी सीवेटी के साथ साथ एंगल इंक्रीज होगा लेस देन नाइन डिग्री होगा नॉर्मल माइल्ड में एलेवन और लेस मॉडरेट में ट्वेल्व टू फिफ्टीन और सेवे में सिक्सटीन डिग्री या मोर

कोई पार्शल डिसलोकेशन नहीं हुई होगी नॉर्मली माइल्ड में मोर देन फिफ्टी परसेंटेशन हो जाएगी मॉडरेट में फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव परसेंट वो अपनी जगह से हट जाएगा जो लेटरल बोन होती है ट्रीटमेंट में चूंकि सबसे बड़ा जो डिफॉर्मिटी को सबसे ज्यादा करवा रहा था वो क्या था इमप्रॉपर शू हाई हील

पेस्ट प्लेनस को देखोगे कि पैस प्लेनस अगर अगर प्लस प्लेनस की वजह से आपको हेल्गस डिफॉर्मिटी मिल रही है तो आप पहले उसको ट्रीट करो ठीक है आपके लिए टेंडन का कॉन्ट्रेक्चर है उसको ठीक करो हाइपर मोबिलिटी का इशू उसको ट्रीट करो और फिर इसको ट्रीट करो और इसका एक और गोल लास्टली होना चाहिए कॉस्मेटिकली या एस्थेटिकली एक्सेप्टेबल फुट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है सर्जरी की फॉर एग्जांपल आपने सर्जरी कर दी उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि ये आपने सर्जरी कर दी दो महीने बाद फिर वेलगस डिफॉर्मिटी आ गई है ठीक है वेरस हो ओवर करेक्शन जो, जो कर करने की वजह से हेलस वेरस डिफॉर्मिटी आ गई प्रोनेशन डिफॉर्मिटी आ गई मतलब कि जो सर्जरी करने की वजह से, मतलब से क्या हुआ कि आपका जो थम था वो प्लांटर फ्लेक्स और इंटरलीट हो गया

ठीक हो गया। जी आइट्रोजेनिक आइट्रोजेनिक का मतलब क्या होता है unknown cause. Unknown cause. क्या? किसी तो 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 की वजह से जो होती है वो शायद शायद आपने बिल्कुल बेटा ठीक है ये मेडिकल की वजह से होती है वो इडियोपैथिक होती है अननोन कॉज ठीक है जो आपको कॉम्प्लिकेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट मिल रही है उनको क्या कहते हैं आइट्रोजेनिक तो हमने अभी आइट्रोजेनिक कॉज पढ़ी नहीं है हेलस वेलगस की वेरस की हेलस वेलगस की सर्जरी हेलक्स वेरस करवा सकती है जो ये लाइन लिखी है ये हेलस वेरस हो सकता है आफ्टर हेलस वेलगस सर्जरी समझ आई इस बात की कि नहीं यस yes, करेक्शन करने की वजह से तो कॉजेज इथियोलॉजी में आइट्रोजेनिक कंजेनेटल एडियोपैथिक रोमैटिक डिजीज लाइक रोम की वजह से पोस्ट रोमैटिक हो सकता है मेन कॉजेस क्या होंगी कि क्यों होता है बाद कम्पलीट रिलीज करवा दो लेटर स्ट्रक्चर टार्स ऑफ जॉइंट विद एक्सेशन ऑफ द मीडियल फॉर एग्जाम्पल आपके मैं यहाँ पे बिग टो बनाऊँ और ये बाकी छोटे टोर्स बना दू यहाँ पे ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल चूंकि हमारा ये जो टो था बहुत ज्यादा तो उसकी लेटर के, यहाँ के सारे लिगाम तो की इंटेग्रिटी तो से जो बिग टो है वो मीडियली मूव कर जाएगा बिकॉज यहाँ पे कोई चीज ही नहीं रही उसको पोजिशन में रखने के लिए और उसके अलावा एक्सेसिव रिसेक्शन ऑफ द मीडियं जो बनियन है जो मीडियल बनी हुई थी उसकी भी एक्सेसिव रिसेक्शन की वजह से हेलक्स वेरस डिफॉर्मिटी

स्ट्रैप uh, लगा के कर सकते हो उसको ए सिमटोमैटिक है जो डायना मल्टीपल प्लेन का इशू है सिमटोमेटिक होता है डिफिकल्ट्रीट सर्जिकली एंड द फर्स्ट मेटाटार्सो फिलेंजियल जॉइंट इज हाइपर एक्सटेंडेड एंड दिलेंजियल जॉइट इज अक्यूटली फ्लैक्स लाइन को जरा गौर से मेरे साथ देख दो फर्स्ट एम टीपी ज्वाइंट इज हाइपर एक्सटेंडेड एंड इंटरफ्लेजली फ्लैक्सड अब इसको रखना येड मेटाटार्इंट इंटरफ्लुजियल ज्वाइंट अक्यूटली फ्लेक्सड समझ आ गई मैम ये क्या है ये डायने हुआ हुआ मसला ठीक है ये extension हुई हुई है और ये क्या है joint पे करेक्शन स्टैटिक में यूजली ऑपरेटिव ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती है जो सिम्टम्स पेशेंट के क्या होंगे कि शू पेशेंट नहीं पहन पाएगा डेविएटेड टो है, pain and stability है या pain

मैं भी आपको डायग्राम से भी दिखा देती हूँ ये आप देखो इसे गौर से तो यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन का एलिमेंट है ना बेटा yes, इस के ऊपर और इस जॉइंट पे क्या है फ्लेक्शन तो ये जो जॉइंट जो यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन थी इस मसल को आप एक्सरसाइज कर देते हो और उसको आप यहाँ लगा देते हो ताकि जो फ्लेक्शन यहाँ पे एक्यूट हुई है उसको रोका जा सके ठीक है तो स्प्लिट ट्रांसफर करते हो आप हेलूस लॉन्गस और ब्रेविस्ट के मसल्स का ठीक है

आप प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ द फेल को रिसेक्ट कर सकते हो और फिर, फिर आप उसको जब उसको आप रिसेक्ट करोगे तो उसे आपकी जो बेसिकली जो acutely flex, जो फ्लेक्स आपको जॉइंट मिल रहा था प्रोक्सिमल साइड के ऊपर उसको उसके प्रोक्सिमल थर्ड को आपने करना है एक्सरसाइज जिसकी वजह से जो हाइपर एक्सटेंशन का एलिमेंट है वो करेक्ट होगा जो जॉइंट है जिस जॉइंट के ऊपर हाइपर एक्सटेंशन थी उस एरिया के जॉइंट की आप रिसेक्शन करवा दोगे ऑर्थ्रो करवाओगे प्रोक्सिमल थर्ड ऑफ द फेलिंग

exactly. तो आप क्या करवा रहे हो आर्टिफिशियल बोन फ्यूजन करवा रहे हो ताकि उस पर हाइपर एक्सटेंशन ही ना हो समझ लग गई yes, yes, कोई क्वेश्चन cool है बेटा लेक्चर रिलेटेड तो बताए एक सेकेंड मुझे ना अटेंडेंस uh, लेने दें मैम वो हीरा हलील का uh... वो हो गया था डिस्कनेक्ट तो उसके बाद उसने काफी देर से कॉल लगाई हुई आपने उसे ऐड नहीं किया इधर मैंने सबको ऐड किया क्या नाम बताया आपने हीरा हलील इधर जो भी बच्चा वेटिंग रूम में था सबको मैंने ऐड किया उसे को मुझे मेल कर हैं ओके ठीक है और जो ये बच्ची है ना मरियम ताहिर बेटा आप मुझे जरा एक्सप्लेनेशन लिखे मेल में कि आपने क्यों क्लास के दौरान डिस्टरबेंस किया कि अगर टीचर जो है वो टॉलरेट कर रही है ना एक चीज़ को इसका मतलब बेटा बिल्कुल भी ये नहीं होता कि एक लीनियन टीचर को आप इस तरह ड्यूरिंग लेक्चर डिस्टर्ब करो आप मार्कर पेड़ना शुरू कर दो लेक्चर की स्लाइड के ऊपर तो दिस इज वाज वेरी अनप्रोफेशनल ऑन योर पार्ट and very disappointing to see a senior semester student student की से पूरी class का image खराब होता है मैं आपसे जो पिछले वाले section B के students हैं वो quantity में कम है लेकिन वो ज्यादा enthusiastic होते हैं class में ज्यादा जिसे कहते हैं वो मुझे

और उसपे रेड कलर का पेन आ रहा था मैं उसे मुसलबल रेस कर रही थी लाइक मुझे रेस करना पड़ रहा था लेकिन इट इट वाज कंटिन्यूड एंड लेटर्स शुरू हो गए थे मुझे एम और ए का एक लेटर नजर आया था और फिर उस बच्चे का नाम भी आ जाता है जो लिख रहा होता है आप लोगों को अगर ये लगता है ना कि मुझे नहीं बेटा पता चलता तो पता चल जाता है आप लोगों मुझे आप लोगों का बहुत अच्छा इंप्रेशन है सेक्शन ए के स्टूडेंट्स मुझे बहुत ओबीडियंट लगते हैं बहुत क्वाइट लगते हैं बहुत रिस्पेक्ट फुल लगते हैं लेकिन एक आधा बच्चा जब ऐसी हरकत करता है बेटा तो बहुत होती है बहुत ज्यादा कि मतलब शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही थी बच्चे को में ये में नहीं था तो बेटा आप कोशिश करो कि ना अपने क्लास फेलोज को समझाओ कि आइंदा ऐसे मत करें तो क्या मैं प्रॉमिस ले सकती हूँ आप लोगों से लेक्चर्स में ऐसा नहीं होगा ठीक है बेटा आइंदा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऐसा ना हो थैंक यू वेरी मच बेटा Olá.